मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में भारतीय हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद को भारत रत्न देने की मांग को लेकर 1150 किलोमीटर की यात्रा के लिए रिटायर्ड पुलिस कर्मचारी तारक कुमार पारकर हाथों में तिरंगा थामे रवाना हुए। भारतीय हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद ने 3 ओलंपिक में भारत को हॉकी में गोल्ड मेडल जिताने में कामयाब हो गए थे, बावजूद इसके आज तक उन्हें भारत रत्न पुरस्कार वंचित रखा गया है। अमर जवान स्मारक पर माल्यार्पण कर तारक पारकर भावुक हो गए थे। पुलिस अधीक्षक सुनील कुमार पांडे की मौजूदगी में आज युवाओं को नशे से बचाने और खेलों से प्रेरित करने के लिए दिल्ली की यात्रा के लिए पैदल रवाना हुए। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक सुनील कुमार पांडे सहित वरिष्ठ पत्रकार और समाज सेवी उपस्थित थे। खरगोन से अजय तिवारी की रिपोर्ट। पेंशन ले रहा हूं सरकार से, कुछ करो। आज 25-30 हजार रुपए पेंशन ले रहा हूं, कुछ बच्चों के लिए करो। खिलाड़ी हो तो खेल के ग्राउंड के लिए करो, शिक्षक हो तो कुछ बच्चों को पढ़ाने के लिए करो। पर देखा ये जाता कि पेंशनर पेंशन लेके घर बैठ जाते हैं, उनको कोई इंटरेस्ट नहीं है कि दुनिया किस ओर जा रही है, बच्चा किस ओर जा रहा है। और पेंशनरों को मैंने एक बार मीटिंग में कहा था कि आपने जो पूरी नौकरी में योगदान दिया तो आपको कितने अनुभव हो, आप उन अनुभवों को आप बच्चों के बीच में बांटो, लोगों के बीच में बांटो। नौकरी में क्या अनुभव हुए आपको, हर आदमी को अनुभव होता है। और आप अनुभवशील व्यक्ति यदि बच्चों को अनुभव देंगे तो बच्चे जो गलत दिशा में जा रहे हैं कतई नहीं जाएंगे। अब एक चीज मैं बताना चाहूंगा आपको थोड़ी, कि कोई भी माँ, मैडम थोड़ा ध्यान देने की बात, कोई भी माँ अपराधी बच्चा पैदा नहीं करती है। बच्चा अपराधी कैसे बनता है आज, इसका मेन उद्देश्य यही है कि हमारा जो भारत है वो खेलों के क्षेत्र में पिछड़ता जा रहा है। और पिछड़ने का सबसे बड़ा कारण यह है कि हम जो खिलाड़ियों ने भारत का नाम रोशन किया है उनकी कद्र नहीं कर रहे, हम उन्हें समुचित सम्मान नहीं दे रहे। यदि खिलाड़ियों को समुचित सम्मान मिलेगा तो कोई वह दिन पीछे नहीं है कि भारत खेलों के क्षेत्र में चीन, अमेरिका, रूस की बराबरी में खड़ा रहेगा। और इसीलिए मेजर ध्यानचंद जी ने जो भारत को प्रथम 3 ओलंपिक गोल्ड मेडल दिलाए, एक तो उनका एम्स्टर्डम का था, उसके बाद बर्लिन ओलंपिक, तो इन सारे ओलंपिक गेमों में लगातार भारत को 3 गोल्ड मेडल दिलाने के बाद भी आज हम उन्हें भारत रत्न देने के लिए हमें मांगना पड़ रहा है। पर मैं ये भारत रत्न मांगने नहीं, केवल माननीय प्रधानमंत्री पीएम मोदी जी को अपने मन की बात बताने जा रहा हूँ कि हमने आपकी मन की बात हमेशा सुनते रहे। आप हम खिलाड़ियों के, देशवासियों के, खरगोन वासियों के मन की बात को भी सुने और शीघ्रताशीघ्र दादा ध्यानचंद जी को भारत रत्न दे, जिससे हॉकी का जो स्वर्णिम अतीत रहा है वो पुनः लौट के आए। यह यात्रा 1150 किलोमीटर की है, जिसे मैं इंदौर से देवास, शाजापुर, गुना, ग्वालियर, झांसी, झांसी में दादाजी की समाधि पर माल्यार्पण, उसके पश्चात आगरा होते दिल्ली पहुंचूंगा। ये कितनी बार यात्रा कर रहे हैं, पहले भी कर चुके हैं? इसके पहले मेरे द्वारा भारत भ्रमण भी किया गया, जो युवाओं को नशे से छुड़वाने के लिए और युवाओं को खेलों के और अग्रसित कराने के लिए वो भारत भ्रमण किया गया था। और मेरा जो मिशन चलता है उस मिशन का नाम ही है पैदल चलो, स्वस्थ रहो और नशा छोड़ो और खेलों से जुड़ो। तो मैं युवाओं को चाहता हूँ कि नशे से जो अपराध हो रहे हैं, ये अपराध छोड़ के वो खेलों के और अग्रसर हो और भारत का नाम खेल के क्षेत्र में ऊंचाई पर ले जाए। तारक कुमार पारकर, ये पुलिस के हमारे रिटायर्ड ऑफिसर हैं और ये एक पदयात्रा यहाँ से दिल्ली तक ले जा रहे हैं। इनकी 2-3 उसमें मांग है, जिसमें से खेल को बढ़ावा देते हुए मेजर ध्यानचंद जी को भारत रत्न की, और इसके साथ एक आज के समय की बड़ी प्रासंगिक मांग, जो युवा पीढ़ी नशे के गिरफ्त में है, तो इसके माध्यम से नशा के विरोध में प्रचार करेंगे, पूरे देश में संदेश देंगे कि नशा मुक्त हो। अगर युवा नशा मुक्त होगा तो निश्चित रूप से खेलों की तरफ अपना ध्यान लगाएगा, तो हमारा देश, हमारा समाज, हम सब स्वस्थ होंगे। तो हमारी इनको पूरी शुभकामनाएं। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।